चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, मैं करमजीत बावा आपके सामने आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद कुछ डिफरेंट है। दोस्तों, आपको पता है मैं एक नेटवर्कर हूँ, हमेशा नेटवर्किंग पे बात करता हूँ, पर आज मेरे देश का मान सम्मान बहुत बड़ा है, मैं उस पे एक वीडियो बनाना चाहता हूँ आपको। आज की वीडियो मेरा मेन क्या है, मेरे देश में कुछ औरतों ने, चार मेरी बहनों ने, चार मेरी सिस्टर्स ने एक कमाल कर दिया। कमाल क्या किया, पहले मैं उनका नाम लूंगा। रूपा रानी, लवली चौबे, पिंकी, नैन मुनि शेकिया, ये चारों मेरी बहनें, इन्हीं चार लेडीज जिन्होंने एक ऐसा गेम में, एक ऐसी गेम में स्वर्ण पदक लेके आई हैं, एक ऐसा गेम में मतलब इंडिया का मान बढ़ाया है, जो गेम इंडिया में देखी नहीं जाती, जो गेम इंडिया में जानी पहचानी नहीं है। अगर इनके हम कैरियर पे ध्यान दें, इन चारों के बारे थोड़ा सा मैं आपसे बात करूं, इन्होंने जो 11 बॉल में स्वर्ण पदक लेके आई है, वो ऐसी गेम है जो इंडिया की गेम नहीं है, जिसमें इंडिया को जानता पहचानता नहीं, ज्यादातर लोग इस गेम के बारे पता नहीं है। इससे पहले बिल्कुल पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, ज्यादातर को नहीं पता था, ना तो कभी इस गेम के बारे किसी मीडियम टीवी चैनल पे इसकी कोई मतलब स्टोरी आई थी, ना इसके बारे ज्यादा कुछ पता था, पर इन चारों ने इंडिया का इस गेम में भी मान बढ़ा दिया, स्वर्ण पदक जीता है। अगर इनसे बात करूं, जो रूपा रानी है वो झारखंड से खेल कर्मचारी है, और लवली चौबे पुलिस कांस्टेबल है। दोस्तों, पिंकी दिल्ली स्कूल में एक टीचर है, और उसके बाद नैन मुनि सिखिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी है। दोस्तों, ये चारों बहुत मध्यम परिवार से थी, इनका एक ड्रीम था, वो ड्रीम क्या था कि हमने देश का नाम ऊपर करना, और ऐसी गेम में करना है जहां बिल्कुल स्पोर्ट नहीं है। और इनके बारे सुना जाता है कि इनको फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम थी, जब ये इसकी तैयारी कर रहे थे, इनको कोई फंड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, इनको कोई पैसा नहीं था, इन्होंने अपने लेवल पे ये सारी तैयारी की। पहले ये वीडियो देखो। जब किसी का कोई ड्रीम होता है, तो कोई भी बड़ी कठिनाई हो, जितना मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो खत्म हो जाती है उसके निश्चय के आगे, उसके ड्रीम के आगे, उसकी सोच के आगे। बस अगर आपने लाइफ में कुछ सोच लिया, मैंने ये करना ही करना है, फिर आपके जो एक्सक्यूज होंगे वो अपने आप साइड पे हट जाएंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स होगी अपने आप साइड पे हट जाएंगी। आपने तो सिर्फ उन ड्रीम पे काम करना है, आपने वो ड्रीम ले लेना है कि ये ड्रीम है। इन चार ही लेडीज की तरह, इन चार ही हमारी औरतों की तरह, इन्होंने जो ड्रीम लिया था वो गोल्ड पदक का ड्रीम लिया था दोस्तों। और सुना है कि जो लवली चौबे है, उसका जो ये पुलिस कांस्टेबल थी, इनका जो सीनियर था, इनको अलाउ नहीं कर रहा था छुट्टी के लिए,
दोस्तों आज देखो जैसे ही गोल्ड इन्होंने जीता है चारों ने, और आज इन चारों को पूरा देश नमन कर रहा है दोस्तों, पूरा देश इनको प्रणाम कर रहा है। आज ये पैसा भी इनको पूरा आएगा और इनको मतलब रिस्पेक्ट आप देखो कितना हो रहा है, ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ कितनी इनके नाम पे वीडियो बनेंगी, और हो सकता है कल को इनकी कोई फिल्म भी बन जाए। कॉमनवेल्थ गेम में सर दोस्तों एक गोल्ड मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात है, और आज तक ये आज हमने 12-13 मतलब टाइम तक अभी तक जीते हैं गोल्ड मेडल, तो उनमें एक इनका है दोस्तों। और अगर इस गेम के बारे थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, एक 1.59 की एक बॉल होती है जो सामने वाली विरोधी टीम की बॉल के बीच में मारनी है, जिसको जैक बोला जाता है, और वहाँ एक डिफरेंट बॉल होती है उसके नज़दीक लेके जाना होता है। ये गेम है, इसके बारे अभी भी बहुत कम लोगों को पता है। उसमें हमारी इन औरतों ने, हमारी इन लेडीज़ ने, वोमेन इम्पावरमेंट ने गोल्ड मेडल जीत लिया है दोस्तों। बड़ी मांग की बात है, हमारे देश के लिए बड़ी मांग की बात है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।